अगर 2022 तक रशिया यूक्रेन हर खत्म नहीं होता तो यूक्रेन की तबाही कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 2022 के बाद रशिया एक ऐसे बॉम्बर को वार जोन में लाना चाहते हैं जो इस युद्ध के नतीजे को जल्द से जल्द बदल सकता है, और वो है रशिया का नया प्योर स्टेल्थ बॉम्बर पाकदा। फिलहाल तो इसे अभी अलग अलग मौसम में टेस्ट किया जा रहा है। दिखने में ये अमेरिका के B2 बॉम्बर की तरह ही है, पर इसका सबसे बड़ी खूबी यह है कि दुनिया के कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। इसके लिए रशिया के इंजीनियर्स ने दुश्मन के रडार को स्टडी करके इसे बनाया है। पाकदा में लगे इंजन की टोटल वेट है 23 टन और ये 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है, और ये एक ऐसा बॉम्बर जिससे ड्रोन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ ही साथ इससे क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर किया जा सकता है, जो इस बॉम्बर को दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर बना देता है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ कमेंट भी जरूर करके जाना। थैंक यू।